अरे अरे अरे, सुनिए तो सुनिए तो, कहाँ जा रहे हैं? रुकिए तो। हज पर जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किस जगह से? हम ये लखनऊ से चले हैं अभी हज पे, अभी निकले हैं, थोड़ी देर हुई 15 मिनट, तो इंशाल्लाह आगे जाना है आज। आप लखनऊ में किस जगह से हैं? जी हम लखनऊ में राजेपुरम अमीनाबाद, आपने नाम सुना होगा। जी हाँ जी, वहीं पर एक राजेपुरम इलाका, वहीं से चल रहे अभी हम। आप पूरी पूरी तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी मतलब किस चीज़ की तैयारी? पासपोर्ट वीज़ा इज़ा सब आपका ओके? अरे पासपोर्ट वीज़ा ओके, अल्लाह की राह में निकले इंशाल्लाह हर चीज़ हो जाएगी, पासपोर्ट वीज़े की क्या बात है। जी हाँ भाई ने तो हर एक चीज़ ओके कर रखी है तब निकले हैं, पासपोर्ट वीज़ा इज़ा सब। तो आप वो शिहाब भाई को आप समझ रहे हैं, माशाल्लाह मालदार थे, उन्होंने जो ना पैसा खर्च किया, हम गरीब आदमी, हमारे पास कहाँ पैसा है, इसलिए हम पैदल निकले हैं। वैसे इंशाल्लाह निकलेंगे तो अल्लाह ताला की राह में निकलो तो अल्लाह ताला खुद जो है ना जरिया बना देता है किसी न किसी चीज़ के जरिए। शिहाब भाई तो एक दिन में 25 किलोमीटर चल रहे हैं, आप कितना चलेंगे? हम इंशाल्लाह चलेंगे, कोशिश करेंगे, हमने तो प्रैक्टिस नहीं की है, हम वैसे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह एक दिन में 40 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, माफ़ी चाहूँगा, ये जो मैंने चीज़ करी इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन ये मैं कोई हज पे नहीं जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने एक उन लोगों के लिए वीडियो शूट करी है जो लोग पैदल हज को मजाक बना करके रखे हैं। आप आज देख रहे हैं कि हमारे शिहाब भाई जिस तरीके से पैदल हज पर निकले हैं, उन्होंने माशाल्लाह कितना पैसा खर्च किया है, उनकी ये मुराद रही होगी कि वो अपनी ज़िंदगी में पैदल हज पर जाएंगे, और उनकी इस चीज़ को उन्होंने एक साल पूरे प्रैक्टिस की है पैदल चलने की, तब वो आज जा कर के एक दिन में 25 किलोमीटर पैदल वो आज चल रहे हैं। तो इस चीज़ को आपने देखा कि कई मतलब शहरों से लोग पैदल जा रहे हैं, उसको मजाक बना करके रखा, किसी से पूछा जा रहा है, वो कह रहा मेरे पास पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, कह रहा आगे से जाएंगे, आगे हम जा रहे हैं पीछे पीछे पासपोर्ट वीज़ा आ जाएगा, और कोई ऐसा शख्स है कि मतलब जिसको से बात करने का ढंग भी नहीं है, मुंह में पान रखे हुए हैं, लेकिन वो भी हज पे निकल पड़े। तो कहने का मतलब ये कि हज को एक जो है ना मजाक के बना करके रख दिया गया, तो इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करी है ताकि उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उन लोगों को समझ मिल जाए कि जो है ना इस चीज़ को मजाक मत ले, और इससे हमारे माहौल पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है, और इससे हमारे शिहाब भाई की वैल्यू गिर सकती है, क्योंकि एक शख्स जो इतनी दूर से पैदल हज पर जा रहा है उसको अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत है उसको अल्लाह ताला से, और लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग जो गलत रास्ता अपना रहे हैं, लोग भी उनको देख करके TRP के लिए और जो है ना अपनी फ़ैन फॉलोइंग के लिए पैदल हज पर निकले हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे शिहाब भाई की ज़िंदगी पर और उनके फ़ैन्स पर असर पड़ेगा। तो इसलिए ऐसा कदम कोई भी मत उठाए जिसकी वजह से जो है ना हज एक मुबारक चीज़ है, जिसकी वजह से जो ना हज पर कोई आ जाए या जो है ना हमारे शिहाब भाई के ऊपर कोई आ जाए, यही आप लोगों से कहना था, इसीलिए मैंने ये वीडियो शूट करी। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो भी यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि अपने चैनल पर प्लीज़ ये वीडियो को अपलोड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और गलत जो कर रहे हैं उससे रुके। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।